अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियसली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू एम्पलीफायर स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। जिसके अंदर हमने इसके मेन ऑब्जेक्टिव देखे थे। उसके बाद फिर हमने टिपिकल एम्पलीफायर टाइप्स देखी थी। हमारे पास BJT, JFET और OPAM बेस्ड एम्पलीफायर आ जाते हैं। देन फिर हमारे पास जनरल एम्पलीफायर मॉडल आ गया था, क्योंकि हमने डिस्कस कर रहा था कि भाई हमारे पास वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर और करंट सोर्स एम्पलीफायर आ जाते हैं। देन फिर एम्पलीफायर के अंदर क्योंकि गेन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उसको रिप्रेजेंट किस तरह हम कर सकते हैं वो डिस्कस करा था हमने। देन अगर हम गेन की बात करें तो हमने बात की थी AV, AI और AP हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट एनी गेन फॉर एम्पलीफायर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक बेसिक एग्जांपल देखी थी, और इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास हमने जस्ट वोल्टेज गेन फाइंड आउट करा था, हमारे पास डेटा प्रोवाइडेड। के बाद सेम वही प्रॉब्लम थी, बस डाटा हमने यहाँ पे क्या किया था, डाटा हमने यहाँ पे डिफरेंट यूज करा हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर हमने वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल देखा था कि वोल्टेज एम्पलीफायर मॉडल के अक्रॉस हम वी इन वी आउट और वी एल किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। देन फिर इफेक्टिव अगर हम लोग बात करें गेन की, वो किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है वो भी हमने वहां पे देखा था। उसके बाद तो फर्दर हम लोग देखें आगे, तो फिर हमने यहाँ पे वही वोल्टेज सोर्स एम्पलीफायर सर्किट देखा था, बट नाउ वी हैव गॉट एक्चुअल वैल्यूज। हमने यहाँ पे एक्चुअल डाटा यूज़ किया था, और उसको यूज़ करते हुए फिर हमने वी इन वी आउट वी एल और ए वी या वोल्टेज गेन इफेक्टिव फाइंड आउट करा था। देन फिर हमने वोल्टेज एम्पलीफायर की डिस्कस की थी कि भाई हमारे पास आइडियल एम्पलीफायर और जो हमारे पास प्रैक्टिकल एम्पलीफायर है उसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। देन हमने यहाँ पे इसकी कॉन्फिगरेशंस डिस्कस की थी कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस एम्पलीफायर। देन फिर बात हुई थी इसकी प्रॉपर्टी रेंजेस की कि भाई हमारे पास हम किस वैल्यू के ऊपर गेन की इम्पीडेंस के हम कहेंगे कि भाई ये इधर मिड रेंज में फॉल कर रहा है, लो रेंज में फॉल कर रहा है या हाई रेंज में फॉल कर रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंजेस इसकी डिस्कस करी थी। उसके बाद हमने कॉमन इमिटर एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक्स, बेसिक करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस की थी इन टर्म ऑफ पावर गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस। देन फिर हमने कॉमन कलेक्शन एम्पलीफायर देखा था, इसकी भी हमने सेम वही करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी। देन वी डिस्कस कॉमन बेस एम्पलीफायर। उसके बाद वी हैड अ कन्वर्जन सॉरी कंपैरिजन बिटवीन कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस सर्किट्स विद रेफरेंस टू देयर वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस। अगेन मिड रेंज में कौन सा फॉल कर रहा है, हाई रेंज में कौन सा फॉल कर रहा है, लो रेंज में कौन सा फॉल कर रहा है, वो बात यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। और मिड रेंज किस वैल्यू के ऊपर आ रही होती है, हाई रेंज किस वैल्यू पे आ रही होती है या फिर लो रेंज किस वैल्यू पे आ रही होती है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था। देन फिर BJT के अगर हम टर्मिनल कनेक्शंस की बात करें, तो हम लोग जब बात करते हैं BJT एम्पलीफायर्स की, हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर थे, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस एम्पलीफायर। इन तीनों एम्पलीफायर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो
इन तीनों के अंदर हमारे पास देखा जाए तो होता यही है कि अगर हम लोग ओवरऑल यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब हम कॉमन इमीटर एम्पलीफायर की बात करेंगे तो ऑब्वियस कि वहाँ पे हमारे पास इमीटर कनेक्शन कॉमन होगा और इनपुट और आउटपुट हम लोग बेस एंड कलेक्टर से ले रहे होंगे। देन अगर हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और इमीटर और बेस से हम क्या करेंगे, आउटपुट और इनपुट ले रहे होंगे। इन द सेम वे जब हम लोग कॉमन बेस की बात करें तो कॉमन बेस के अंदर हमारे पास बेस कॉमन हो जाएगा और इनपुट हम इमीटर साइड से लेंगे और आउटपुट हम लेंगे कलेक्टर साइड से। उसके बाद फिर हमने एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन देखी थी कि विद रेफरेंस टू देयर क्लासेस एम्पलीफायर किस तरह से क्लासिफाई हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तो उसके अंदर हम लोग दो चीज़ें हमने बात की थी, एक थी हमारे पास डिस्टॉर्शन लेवल, दूसरा था लॉसेस। इनकी बेस पे हमने इनकी क्लासेस को डिफाइन किया था कि भाई क्लास ए है अगर इट विल हैव लो डिस्टॉर्शन एंड हाई लॉस, वी विल हैव मिनिमम डिस्टॉर्शन एंड क्लास क्लास सी विल हैव हाई डिस्टॉर्शन। तो ये हमने वहाँ पे डिस्कस करा था। उसके बाद क्लास ए एम्पलीफायर के अंदर थोड़ा सा हमने एक चीज़ और इसमें देखी थी, तो वही जो हम लोग बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी की, तो वो 25% है, 360 ऑपरेशन इसका किस तरह से परफॉर्म हो सकता है वो डिस्कस करा था। देन फिर हमने क्लास बी को भी इसी तरह जो है इसके जो मेन पॉइंट हैं इन डिस्टॉर्शन लेवल या कंडक्शन पॉइंट वो हमने डिस्कस करा था। देन क्लास सी हमने डिस्कस करा था, तो वही क्लास सी के अंदर हमारे पास ये जो ट्यून एम्पलीफायर इसको नाम दिया जा रहा है, तो क्यों ट्यून एम्पलीफायर का नाम दिया जा रहा है। उसके बाद हमने एक बेसिक इसकी प्रॉब्लम देखी थी जिसमें हमने क्या किया था, एम्पलीफायर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करी थी। देन डिस्टॉर्शन डिस्कस किया था हमने कि डिस्टॉर्शन किस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। हमने यही बात हुई थी कि एनी चेंज इन वेव फॉर्म विच इज नॉट डिजायर्ड, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टॉर्शन का नाम दिया था। देन हमने यहाँ पे क्लास ए एम्पलीफायर जिससे पहले भी हमने डिस्कस करा है उसको थोड़ा उसको फिर हम डिटेल में लेके जा रहे थे। ठीक है, तो ये तो प्रीवियस जो क्लास थी ये वहाँ तक का भी हमने डिस्कस करा है। अच्छा, क्लास ए एम्पलीफायर के फिर थोड़ी डिटेल में चले जाते हैं। तो जब हम क्लास ए एम्पलीफायर के ऑपरेशन की बात करते हैं ना, तो क्लास ए एम्पलीफायर का ऑपरेशन जो है वो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि वो डिपेंड कर रहा होता है मिड पॉइंट बायसिंग पे। मिड पॉइंट बायसिंग एक्चुअली क्या है, तो मिड पॉइंट बायसिंग का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम एक क्यू पॉइंट सेट कर देते हैं एट द मिड ऑफ आवर सिग्नल। उससे ये होता है कि हमारे पास जो इन आउटपुट होता है वो एक स्पेसिफिक रेंज में वेरी कर रहा होता है, बिकॉज इन केस अगर उस रेंज से बाहर हमारा सिग्नल चले जाए तो क्या होगा, हमारे पास आउटपुट पे आइदर क्लिप वेव आएगी या फिर डिस्टॉर्टेड वेव आ रही होगी। तो जस्ट टू हैव अ लीनियर ऑपरेशन फॉर क्लास ए एम्पलीफायर वी हैव टू परफॉर्म मिड पॉइंट बायसिंग। अब मिड पॉइंट बायसिंग को अगर हम लोग जो इसकी एक बेसिक डायग्राम है उससे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप ये वेव फॉर्म नोट करें तो
एट वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पे करंट आ रहा है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है। अच्छा, अब ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक्चुअली वो मिड पॉइंट उसकी अगर हम बात करें मिड पॉइंट बायसिंग की, तो ये उसका प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो ईडीसी के अंदर क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना हमने देखा था, तो यहाँ पे वही किया हुआ है काम कि हमने इधर सबसे पहले क्या किया है कि जो हमारे पास सिग्नल था उसको रेफर करके उसका क्यू पॉइंट निकाला एंड देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज के ऊपर इस लाइन को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। जब हम ये लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास वाई पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की एक रेंज आ गई है और एक्स पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज की यहाँ पे रेंज आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो दोनों एंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑन द लेफ्ट एक वेव फॉर्म हमें नज़र आ रही है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे डाउन साइड देखें तो इधर भी एक हमारे पास वेव फॉर्म नज़र आ सकती है। तो जो मिड पॉइंट बायसिंग का वर्ड हम यूज़ कर रहे थे तो ये एक आपका मिड पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, ठीक है, जो कि लाइन का मिड पॉइंट कहला रहा है। इस पॉइंट से अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट से एक वेव इधर ड्रॉ कर दी है और एक वेव यहाँ पे ड्रॉ। अब ये जो रेंज हमारे पास प्रोड्यूस हुई है तो हमारे पास जो एम्पलीफायर का सिग्नल होगा ना वो इस रेंज के अंदर ही फॉल करना चाहिए। अगर इन केस इस रेंज से बाहर जाता है सिग्नल हमारा तो वो आउटपुट पे नहीं मिलेगा, आउटपुट हमारे पास डिस्टॉर्टेड होगा। ये हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्ट हमारे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन वोल्टेज की भी इसी तरह रेंज दी हुई है और ये इसी रेंज में वोल्टेज को फॉल करना ज़रूरी है। ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग मिड पॉइंट बायसिंग का नाम देते हैं। और ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग अभी कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में डीसी बायसिंग और फिर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर कंप्लीट ऑपरेशन डिस्कस कर रहे होंगे तो वहाँ पे क्यू पॉइंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इधर सिर्फ इसका जो क्यू पॉइंट की बेसिक्स हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जो मिड पॉइंट बायसिंग का हम नाम ले रहे होते हैं तो इसका एक्चुअल काम क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास ए एम्पलीफायर एप्लीकेशंस की, तो हमारे पास क्योंकि क्लास ए एम्पलीफायर की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो वो जस्ट 25% है। इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्लास ए एम्पलीफायर जो होता है वो यूजली लो पावर एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ हो रहा होता है जहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी मैटर नहीं कर रही होगी। और इसके अंदर हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल हमारे पास आ जाती है तो वो हमारे पास जो स्टीरियो सिस्टम है उसके ड्राइविंग सर्किट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्लास ए एम्पलीफायर की बेसिक एप्लीकेशन में आ जाता है, लेकिन एक्चुअल जो स्टीरियो सिस्टम होता है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ क्या कर रहा होता है, वो सिर्फ स्विचिंग करवा रहा होता है फ्रॉम लो एंड टू हायर एंड। ये काम क्लास ए एम्पलीफायर का वहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है,